नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। इसलिए कभी ये ना सोचना कि गॉड ने आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों दी है। काम उसी को दिया जाता है जो उस काम को करने लायक होता है। इसलिए यदि आपको सफलता हाथ नहीं लग रही है और सफलता हर बार आपको बुरा मुंह लेकर आपके सामने आ जाती है और प्रॉब्लम तो जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड बन चुका है, तो घबराना मत, बल्कि खुश होना। गॉड आपसे कोई बड़ी काम करवाना चाहता है। वो आपको बहुत से काम देकर, वो आपको बहुत से समस्याएं देकर आपको किसी बड़े काम करने के लिए तैयारी किया जा रहा है। वो चाहता है कि आप इतनी मजबूत हो जाए कि छोटे छोटे समस्या का कुछ सफलताएं आपके विश्वास कॉन्फिडेंस को डगमगा नहीं पाए और आप सफलता की राह पर चलते रहें और एक दिन कोई ऐसा सफलता प्राप्त करे जो आपको चमकता हुआ सितारा बना दे। यदि बहुत सी समस्या एक साथ आ जाए तो घबराना मत, सोच में मत डूबना, बल्कि उन्हें एक कागज पर लिख लेना और एक एक करके उनको हल करते रहना। रुकना नहीं है, ध्यान रखिए कि रुकना नहीं है, बल्कि चलते रहना है, चलते रहना है, वो भी सही रणनीति के साथ, सही दिशा में। आप इस लायक हैं कि सफलता आपके कदम चूमे, इसलिए आपको भगवान के द्वारा चुना गया है। आपको चुना गया है इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप इस मोटिवेशनल वीडियो को देख रहे हैं, आप इस स्पीच को सुन रहे हैं। इसका मतलब आप सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बेस्ट मोटिवेशन आपके अंदर जबरदस्त ऊर्जा भर देगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, सफलता के रास्ते में आपको बहुत से ऐसे रास्ते मिलेंगे जो आपको भटकाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपको भटकना नहीं है, आप चलते रहना है सफलता की संकल्प के साथ। किसी ने क्या खूब कहा है, विकल्प बहुत मिलेंगे आपको रास्ते भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। क्या हुआ कि आपके सामने बड़े हैं मुसीबत है, क्या हुआ आपके सामने बहुत से प्रॉब्लम्स पर्वत के सामने तान कर खड़ी है, क्या हुआ कि आपके बार बार आपके मंजिल से फिसल रहे हैं। फिसलिए, फिसलने में कोई बुरा नहीं है, बुराई तो तब होगी जब आप फिसलने के बाद दोबारा कोशिश करना ही छोड़ दें। यहां मुझे हरिवंश बच्चन जी की एक पंथिया याद आ रही है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए कोशिश करना कभी मत छोड़ना चाहिए। आपके सामने कितने भी बड़ी क्यों ना प्रॉब्लम आ जाए, प्रयास करते रहो। मंजिल पाने के लिए एक आग आपके अंदर होनी चाहिए, यही आग आपको सफलता के रास्ते में रोशनी की काम करेगी। जहां भी आपके अंधेरे नजर आएंगे, वहां आपके अंदर जलती यही आग या जुनून का काम करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि ख्वाहिश कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पूरी हो सकती है, बस आपका दिल जिद्दी होना चाहिए। आपके अंदर ये विश्वास भर लो कि आपको चुना गया है, और ये सही भी है, क्योंकि सभी को चुना नहीं जाता। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ करते हैं अपने सामर्थ्य से, दुनिया भर में सुविधाएं उन्हें भी दी गई है, लेकिन वो कोई नया काम नहीं करते, वो कोई सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि उन्हें बड़ी सफलता के लिए चुना ही नहीं गया है, और जिसको चुना गया है उनकी इम्तिहान भी जबरदस्त लिए जाते हैं। जब इरादा बना ही लिया ऊंची उड़ान का, फिर तो देखना क्या फिजूल के कद आसमान का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।